हेलो दोस्तों, नमस्कार। MFT डिटेल में आपका स्वागत है। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि सी डेटा का वल्टी हो जाता होता है, इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा। ठीक है, मैंने सी डेटा का जो वल्टी का रिव्यू किया है सिक्योर एक, उसमें भी थोड़ा डिटेल में बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एक कस्टमर के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, उसी को मैंने रिकॉर्ड किया है और उसको मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि MFT डिटेल FTTS से रिलेटेड सभी तरह का वीडियो हम लोग बनाते हैं चैनल पे, और सिर्फ हम लोग वीडियो ही नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ पर आपको FTTS से रिलेटेड जितना भी आइटम होता है सभी कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब कुछ हम लोग के पास अवेलेबल रहता है, तो अगर आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है कलकत्ता में है, वहाँ से हम लोग ऑल इंडिया डिस्पैच करते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टी में लॉगिन कर लें। ठीक है, वोल्टी में लॉगिन कर लिए। अभी हमको यहाँ पे विलन कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो विलन के लिए हम लोग विलन सेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, और विलन में जाके आप यहाँ पे विलन ग्लोबल कॉन्फ़िग इन्फो में देखिए, जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि टोटल 4094 विलन बना सकते हैं, एक विलन बना हुआ है। विलन कॉन्फ़िग में चले गए, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वन विलन बना हुआ है वो डिटेल हमें दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है कि हम विलेन एक नया विलेन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जब हम नया विलेन ऐड करने गए तो हम क्या देख रहे हैं, ये सारा जो हमारा टैग का ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट OLT में आपका सारा पोर्ट जो है एक्सेस पोर्ट है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें OLT पोर्ट विलेन में जाना पड़ेगा, और जिस जिस पोर्ट को मतलब आप जिस पोर्ट पे विलेन डालना चाहते हैं उसी पोर्ट पे विलेन डाल सकते हो, जो फिर हाइब्रिड हो या फिर ट्रंक हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मेरा जो BSNL का इसमें नेटवर्क चलेगा, तो मेरे को सपोर्ट को हम क्या करेंगे, हाइब्रिड बना देंगे। हाइब्रिड इसलिए बना देंगे कि वो एक्सेस में भी चलेगा, ट्रंक में भी चलेगा, इसी कारण से। ठीक है, तो हमने चारों पॉन पोर्ट को सबसे पहले हाइब्रिड बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये काम होगा। अब जिस पोर्ट से हमारा लिंक आ रहा है उस पोर्ट को हम क्या करेंगे, हाइब्रिड बना देंगे, ताकि मेरा लिंक यहाँ पर आ जाए। अगर आप हाइब्रिड नहीं चाहते हो, सिर्फ अगर BSNL चला रहे हो, तो आप उसको ट्रंक भी बना सकते हो। अभी बन गया, अब हम विलेन कन्फिग में चले जाएंगे। विलेन कन्फिग में अभी मेरे को टैग करने का ऑप्शन दिखाएगा, मेरा जो विलेन है वो विलेन हम डालेंगे यहाँ पे। ये BBNL का है, यहाँ पे सिंगल विलेन पे है, 1161 मेरा GE1 पे इन हो रहा है, और मेरे चारों पॉन पे हम इसको टैग कर दिए। अगर देखा जाए तो VSL के कंपेरिजन में इसका कन्फिग्रेशन बहुत ही आसान और सिंपल है, यहाँ से कर दिए, हो गया। इसी तरह आप मल्टीपल विलेन को भी एक साथ में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, और इसको सेव कॉन्फ़िग कर दीजिए, आपका काम हो गया। अभी दूसरा एक और विलेन हम लोग ऐड करेंगे, जो अपना टेलीफोन पोर्ट का विलेन है। तो फिर से जाएंगे उसी तरह ऐड, यहाँ पे हमारा विलेन है 1831 G1 पे इन किया है हमारा लिंक, और सभी पॉन पोर्ट पे चलाना है, तो पॉन 1 2 3 4 सभी पे। अब जैसे देखिए, अगर मल्टीपल विलेन अगर करना हो ना, तो बस जहाँ पे हमने 1831 लिखा है उसी जगह पे हम लिख देंगे 1000 से लेके 1200, या 128 से लेके 500, और यहाँ पे बस टैग पे जाके उसको कर देंगे, हो गया ख़त्म। कोई ज़्यादा झमेला नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जिस पोर्ट को आपको टैग करना है, सबसे पहले उस पोर्ट को आपको हाइब्रिड या ट्रंक कर देना होगा, तभी आप कर सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे तो कस्टमर का मल्टीपल विलेन नहीं है, लेकिन कैसे करोगे, मैं वो बस एग्जांपल के हिसाब से, जैसे 128 से 500 यहाँ लिख दिए, और फिर अब पॉन को और जिस पोर्ट में इन हो रहा है उसको बस टैग कर दो और कन्फिगर कर दो, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना विलेन का कन्फिग्रेशन आप सी डेटा के वल्टी में कर सकते हैं। जनरली सी डेटा का वल्टी अभी आज के डेट में सिक्योर आई, और ऑप्टीलिंक का तो अपना आता ही है, ऑप्टीलिंक अवेलेबल है। किसी बंदे को अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम रिमोट पे लेकर आपको कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। ठीक है, तो और हमारा सर्विस जो है मैंने सभी के लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इस वल्टी का भी ज़रूरत है, तो ये वल्टी हमारे पास रेडी स्टॉक में है। अच्छा, और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि ये जो अपना वल्टी है, इसमें जो टोटल 4 ईथरनेट पोर्ट है और 4 SFP पोर्ट है, जो 4 ईथरनेट अब मिरर पोर्ट होते हैं, मतलब आप आइदर इथरनेट पोर्ट को यूज कर सकते हो या फिर SFP पोर्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, और 2 इसमें 10G पोर्ट हैं, तो 2 10G पोर्ट इंडिपेंडेंट है, SFP से अलग हैं। ठीक है,
और दोस्तों अगर इस उल्टी के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको ज़रूर से हेल्प करेंगे। और आईपी का मैं इसमें इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया हूँ क्योंकि बंदे जो जिसका मैं कॉन्फ़िगर करूँ उनको कैस्केडिंग में चला रखा था, तो इसीलिए आईपी का हमने यहाँ पे कुछ कवर नहीं किया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सअप नंबर जो नीचे में आपको दिख रहा है, अगर कोई भी सेल्स या सपोर्ट का आपको ज़रूरत हो, कोई भी प्रोडक्ट का ज़रूरत हो, वायरलेस हो, फाइबर हो या फिर सीसीटीवी से रिलेटेड हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा सर्विस सपोर्ट आपको हर चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।